अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं रिमशा शब्बीर, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों को कराची लाने का फैसला मौखर। सिविल एविएशन के मुताबिक गैर मुल्कियों को कराची न लाने का फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बना पर किया गया। गैर मुल्की शहरियों को अब सिर्फ इस्लामाबाद लाया जाएगा। अमेरिका की अफगानिस्तान में बड़ी कार्रवाई। सूबा नगरहार में दाइश के ठिकानों पर ड्रोन हमला। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड हलाक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश खुरासान से था। ड्रोन हमले में किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों में हलाकतों की तादाद 170 हो गई, 200 से ज्यादा अफराद जख्मी। तालिबान के स्पेशल यूनिट्स ने काबुल एयरपोर्ट में पोजिशन संभाल ली। एक और हमले का खदशा। अमेरिकी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट फौरी छोड़ने की हिदायत। तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन साकी का कहना है, नेशनल सिक्योरिटी टीम ने काबुल में हामिद करजई एयरपोर्ट पर एक और दहशतगर्द हमले की इत्तला दी है। हम ज्यादा से ज्यादा हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। तालिबान की महकमे सेहत की खवातीन मुलाजमीन को ड्यूटी पर आने की इजाजत। तर्जुमान ज़बीहुल्ला मुजाहिद का कहना है, अमारते इस्लामिया को महकमा सेहत की खवातीन मुलाजमीन के दोबारा ड्यूटी पर आने से कोई मसला नहीं। तालिबान की शहरियों को काबुल में सरकारी अमलाक, गाड़ियां, हथियार और असलहा एक हफ्ते में जमा कराने की भी हिदायत। अफगान फोर्सेस को तालिबान से लड़ने से क्या पाकिस्तान ने मना किया था? क्या अशरफ गनी को पाकिस्तान ने कहा था कि वो भाग जाए? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान तो अमरीका की दरख्वास्त पर तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया था। नतीजे सामने आने पर भी इल्ज़ाम पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मोईद यूसुफ ने कहा, तालिबान के पास पूरा मुल्क है, उन्हें पाकिस्तान की पहले जैसी जरूरत नहीं रही। अमरीका भी अफगानिस्तान से अपना सिफारती और इकतसादी ताल्लुक बढ़ाए। शाह महमूद कुरैशी से बरतानवी हम मनसब और जनरल सेक्रेटरी अक्वामे मुताहिदा का टेलीफोनिक राबता। शाह महमूद कुरैशी ने बरतानवी हम मनसब से रेड लिस्ट का मामला उठा दिया। कहा, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आई है, बरतानिया इस मामले पर नजरसानी करे। वज़ीर दाखला का अंतोनियो गोथरस से अफगानिस्तान की समाजी और इक्तसादी मुआवनत फराहम करने का भी मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तन्हाई का शिकार न होने दे। मुल्क भर में कोरोना अमवात का सिलसिला थम न सका। मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4191 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। पंजाब में शरह 8%, बलूचिस्तान में 5% रिकॉर्ड। बरूने मुल्क जाने वालों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की इजाजत। बूस्टर की फीस 1,270 रुपए मुकर्रर। हेडलाइंस आप जान चुके। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।